नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव का इनकार है आने से। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कल शाम 5 बजे तक बुलाया था। कोविड की बात कह करके असमर्थता जाहिर की है कि ये दोनों अफसर नहीं आ सकते। आपको बता दें, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था और उसी के बाद केंद्र सरकार की तरफ से इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया था, बुलाया गया था डीजीपी और मुख्य सचिव को। अब डीजीपी और मुख्य सचिव ने दिल्ली आने में असमर्थता जाहिर की है। गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाया गया था, कल शाम तक उन्हें जाना था, लेकिन कोविड की बात कह करके असमर्थता जाहिर की है। दोनों अफसर वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी का दिल्ली आने से इनकार, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दोनों अफसर दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। दोनों अफसर दिल्ली नहीं पहुंचे हैं और इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या मतलब निकाले जाएं, इसी को जानने के लिए धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, दोनों अधिकारियों ने कोविड की बात कहकर दिल्ली आने से मना कर दिया, इसका सीधा सीधा मतलब समझाएं जरा। देखिए, जिस तरह से बंगाल में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के साथ भी इस समय जो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं खड़ी दिखती है, उसी का एक ये भी इशारा है, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जरूर एमएचए होता है हमेशा, तो उसमें अगर उनको कॉल किया गया, हालांकि वो स्टेट काडर के हैं और वो पूरी तरह से वहाँ पूरी सरकार के लिए वहाँ काम करते हैं, लेकिन जब जिस तरह से राष्ट्रीय प्रेसिडेंट पर पार्टी के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला हुआ था, उसके बाद उनको जिस तरह से बुलाया गया था, आप देखेंगे लगातार टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड को लेकर बाकी तमाम चीजें सब चीजें जारी है, नॉर्मल लाइफ भी वहाँ एक्टिव है, लेकिन आने से मना करने के पीछे यही कारण है कि प्रेशर किसी तरह का उसको डिजेल कर सके। और जिस तरह से ममता बनर्जी किसी भी तरह से, चाहे वो 3 IPS के उनको वापस जब कार्डर में बुलाया गया, उस सेंटर में बुलाया गया, तो उसके भी विरोध में उन्होंने बाकायदा लंबा बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर स्टेट वर्सेस सेंटर है जिसमें ये अधिकारी भी अब बीच में आ गए हैं, आने से मना कर दिया।